So hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my new channel. So here I am back with another vlog. So how are you all? I hope you all are good. My video from the love of the dua se. So abhi ho rahi hai bahut raat ke baj rahe hain 2:30 bahut raat hai aur main jaag raha hu. Maine socha ki aaj main matlab sahri hi karke soonga to kyunki neend nahi aa rahi thi aur sab so rahe hain. Maine socha ki ab वैसे बहुत देर हो गई थी नींद आते आते, तो मैंने सोचा अब क्या सोना, तो अब सैरी करके ही सोएंगे, नमाज़ पढ़ के ही सोएंगे. सो अभी बज रहे हैं 2:30 नहीं, एक्चुअली पौने 3 बज रहे हैं, सॉरी. सो 3 बजने वाले हैं और अभी मुझे लग रही है भूख थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए और देखते हैं फिर कल क्या होता है और मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँगा. तो अभी मैं मतलब अभी हो रही है सैरी का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा सब सो रहे हैं तो मुझे भूख लग रही, तो मैं मुझे कुछ खाना चाहिए. और जब देखा तो कबाब रखे हैं, लेकिन एक मतलब उसमें परेशानी ये है कि वो कबाब बने में नहीं रखे हैं, मतलब उसे तलना पड़ेगा. तो बहुत काहली आ रही है, बहुत लेजीनेस आ रही है, लेटा हुआ था मैं, लेकिन मैंने सोचा मतलब भूख भी लग रही है तो सोचा खाया जाए. तो चलिए फिर कबाब तलते हैं और फिर उसके साथ साथ एक अंडा भी तल लेंगे, एग भी तल लेंगे, और फिर मेरी वो सैरी हो जाएगी और बाकी सब उठ के खाएंगे. वैसे सैरी का कुछ और मम्मी ने बना के रखा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन पराठे में खा नहीं सकता क्योंकि पराठे से मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो बड़ा भारी भारी हो जाता है, इस वजह से मैं रोटी लेता हूँ, रोटी खाता हूँ. तो चलिए फिर अब कबाब तल लेते हैं, तले चलिए चलिए. एंड देन फिर मैंने गर्मा गर्म कुरकुरे से अपने लिए दो कबाब तले, तबाब कह रहा था मैं, दो कबाब तले. फिर उसके बाद मैंने हाफ फ्राई ऑमलेट डाला. ये किस किस को पसंद हो, किस किस को पसंद है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है पता है, इस वजह से मैं बनाना बहुत ईजी होता है, ईजी होता है इसमें. तो ये देखिए बन गया मेरा प्यारा सा, प्यारी सी छोटी सी सहरी का ये. मुझे पता है बहुत डांटने वाली है, बना के कुछ और रखा था, खा कुछ और है. सच में बिल्कुल पराठा खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं सैरी में इतना भारी पराठा. वैसे खाना नहीं खाया था अफ्तार के बाद, इसी वजह से शायद, इस वजह से आज जल्दी भूख लगने लगी. तो चलिए अब मैं फिनिश करता हूँ अपनी सैरी, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तो रोटी तो ले लूँ. तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे पहले. एंड देन फिर मज़े से मैं अपने खाने लगा, सैरी करने लगा. वैसे वो टाइम हो गया था बनाते बनाते और सब कुछ करते करते, सैरी का टाइम हो गया था, तो सैरी हो गई है और कबाब और हाफ फ्राई ऑमलेट प्लस रोटी, बड़ा मज़ा, बड़े मज़े की थी. तो एक रोटी मैंने खाई, फिर उसके बाद मैंने स्पून से खा लिया, तो सैलेड के साथ बहुत मज़े का लग रहा था. फिर उसके बाद जब मैंने पूरा फिनिश कर लिया, देन मैंने पिया पानी और अल्लाह का शुक्र. तो फ्रेंड्स मैंने कर लिए सहरी और अब मैं पी रहा हूँ चाय जो कि अम्मी ने बनाई है, और बाकी मोहम्मद और बाकी सब लोग सहरी कर रहे हैं उस रूम में. और ये बनाई वाली चाय बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसके चाय के साथ साथ वॉक कर रहा हूँ क्योंकि अब खाया है तो थोड़ा वॉक तो बनती ही है. तो मुझे लगता है कि सैरी में सभी लोग चाय ज़रूर पीते होंगे क्योंकि सैरी सुबह ही होती है, तो सुबह चाय तो बनती ही है और चाय वो भी पलाई वाली ज़बरदस्त बहुत अच्छी चाय बनी है. तो चलिए चाय पी लूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ. तो चाय तो मेरी फिनिश हो गई है, लेकिन अभी वॉक नहीं फिनिश हुई है, तो मैं वॉक अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और वॉक कर रहा हूँ क्योंकि समझ रहे ना, वॉक ज़रूरी है. थोड़ी सी कर रहा हूँ मैं बस यहाँ पे अपने रूम में, तो थोड़ी भी बहुत चलती है, अब नीचे तो जा नहीं सकते, छत पे जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते अभी. तो अभी जब जाएंगे बाहर पर थोड़ी देर में, तो अभी इसके बाद मैं करूँगा ब्रश अपना, देन फिर नमाज पढ़ूँगा, फिर देखते हैं क्या करेंगे. वैसे रात भर तो जाग रहा हूँ तो सोएंगे, ये दर्द की बात है.
सो गाइस, अभी मैं मतलब थोड़ी देर पहले उठा था, थोड़ी देर पहले नहीं, काफ़ी वक्त पहले उठा था, और मैंने सब जो नमाज वगैरह था वो सब पढ़ लिया है, और अभी मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे। और आज अफ्तारी में सब आई थिंक मम्मी बना रही है, और मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ आज, क्योंकि फ्री हूँ, फ्री टहल रहा हूँ आज मैं। तो देखते हैं, अगर कुछ मन करेगा मेरा जूस वगैरह या कुछ तो मैं बना दूंगा। बाकी अभी जस्ट मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ या टहल रहा हूँ। हाँ, तो किसका क्या आ रहा है? मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट? गिफ्ट चाहिए? हाँ, कब बर्थडे? लेकिन लेकिन हम क्यों गिफ्ट देंगे तुम्हें? सबके दे पापा तो सब दे रहे हैं, तो सब दे रहे हैं, तो मैं क्यों दूँ तुम्हें गिफ्ट? दे बलि के बारे में तुमने सजावट भी की थी और उसके लिए बताशे का वो भी लाए थे ना तुम। सजावट, डेकोरेशन? हाँ, तो डेकोरेशन तो आपके बर्थडे में मैं करता हूँ। तो तुमने बलि के बारे में गिफ्ट भी सब दिया था। बलि के बर्थडे में मैंने क्या गिफ्ट दिया था? बलि तो, बलि बहुत क्यूट भी तो है। तो हमें भी क्यूट है। नहीं, आप क्यूट नहीं, आप प्रिटी है। तो हमें जाओ जाओ, सब लोग खाना खाओ जाओ। देखो, बाय बाय खुदा। रोजदार हूँ मैं, और तुम लोग खाना खाने जा रहे हो? तो भूख लगती है पेट को। क्यों, रोजे में रोजा रखा करो, रोजे में भूख नहीं लगती है? अच्छा, कल सो रखोगे? गाइस, बहुत अच्छा दिन था। और ये बहुत ये तो यही बोलते हैं बस। बहुत अच्छा दिन था। अब बलि, तुम्हारा बर्थडे कब है? थोड़े दिन बाद है। अप्पी को क्या गिफ्ट दोगे तुम? एक अच्छी सी कार। कार तो अप्पी चलाती नहीं है। चलाती नहीं है तो हम चला लेंगे। अच्छा, अपने लिए कह रहे हो? जाओ, तुम भी खाना खाओ जाओ, मम्मा बुला रही है, खाना खाओ। जी मम्मा, मैं आ रहा हूँ। मुझे रमजान में भूख लगती है। लगती है? हाँ, बहुत अच्छा। एंड देन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रूट चाट ही बना दूं, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल तो कुछ बना नहीं रहा था, तो अम्मी से कहा लाइए मैं ही बना देता हूँ फ्रूट चाट। अम्मी बाकी सारा अफ्तार का सामान बना नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं ही बना देता हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं डाला फ्रूट चाट में, जो रखा था घर पर एप्पल बनाना और पोमोग्रेनेट्स, तो उन्हीं को कट करके और बस डाल दिया फ्रूट चाट। बच्चा ही बना ले कोई, क्योंकि बस कट करना है आना चाहिए उसको। तो उसमें फिर मसाले, नींबू, शक्कर, ये सब डाला। फिर ज़्यादा तो कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ी तो नहीं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं बनाई क्वांटिटी में, क्योंकि सिर्फ मैं ये मोहम्मद खाते हैं, हम ही दोनों को अच्छी लगती है। और फिर मुझे लगा पोमोग्रेनेट्स जो है वो कम है, तो मैंने फिर और कट करके एक और, तो वो भी डाल दिया उसमें फ्रूट चाट में। तो मैंने सोचा कि मैं आज कुछ बना नहीं रहा हूँ स्पेशली, तो मैंने सोचा कि फ्रूट चाट ही मैं थोड़ा बहुत बना दूँ। तो मैंने अभी थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई है, और अभी 5:15 बज रहे हैं, और बस थोड़ा और वक्त बचा है। तो अभी मैं लेट गया था, और आपको मेरा बैग दिख रहा है, देखिए मेरा न्यू बैग है, मैं लाया था, कैसा लगा लोगों को? तो मैं बस वही थोड़ा बहुत कुछ कर रहा था, और फिर देन अब सब तैयारी बन रही है, और मम्मी बना रही, अम्मी बना रही है तैयारी, और बहन बना रही है तैयारी। तो चलिए फिर, फ्रूट चाट तो मैंने काट दी है, पता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, रोज़े में कोई सूंघना नहीं चाहिए, स्मेल नहीं करनी चाहिए, इस वजह से मैंने दूर रख दी है। और फिर अब बढ़िया सी अम्मी कुछ स्पेशल इफ्तारी आज बना रही है, लेकिन बता नहीं रही अम्मी कि क्या बना रही है। तो बस अब देखते हैं क्या बनाती है अम्मी। मतलब सुनने में तो आ रहा है कि काफ़ी कुछ स्पेशल बना रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इफ्तार में फिर, अब क्योंकि अब मैं उसके बाद शायद नमाज़ पढ़ूंगा, अभी नहीं, अब अभी 1 घंटा 1.5 घंटा है, तो फिर इफ्तार करेंगे। तो इफ्तार में आई थिंक आप मिलेंगे, मैं आप लोगों से देखते हैं आप कब मिलते हैं। ये देखिए, बाय द वे जो मैंने चूज़ किए थे ये वे वही वाले कर्टन्स हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? मेरी चॉइस, मेरी चॉइस हमेशा अच्छी होती है।
देन फिर मेरा पता है टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ आज कुछ अलग बनाया जाए, कोई अलग सा जूस। तो मैंने कोकम्बर का जूस मैंने ट्राई किया आज फर्स्ट टाइम बनाना, तो यूट्यूब से देख के। तो फिर उसके बाद ये देखिए, फिर जो अम्मी की डिश थी वो मुझे पता चल गई कि मैं क्या बना रही, तो मैंने सारी मतलब वो कर ली, शूट कर ली। तो काफ़ी बहुत मज़े का, ये कोई कस्टर्ड केक करके कुछ था जो फ्रिज में इसके बाद रखते हैं, तो अभी आपको दिखाएंगे खाते हुए। तो बहुत बहुत यमी बनाया था ये, सच में बहुत यमी था। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं था इसमें, बस कस्टर्ड बनाया, उसके में ब्रेड और बिस्किट और बनाना ये सब रख दिया, बहुत यमी था। और फिर ये देखिए मैंने ये इसको पीस लिया था कोकम्बर को जूस के लिए, और फिर इसमें मैंने सब सारे जितने भी सब मसाले और ये सब शक्कर वगैरह सब होता है सब डाल दिया। और फिर अब मैं इसको इसमें जग में डाल दूँगा, फिर ऊपर से इसमें आइस क्यूब्स भी डाल देंगे, और फिर जब ग्लास में निकालेंगे तब भी मैंने आइस क्यूब्स डाल दी थी, क्योंकि जितनी ठंडी चीज़ होती है ना, जूस जितना ठंडा होता है उतना अच्छा था। और ये टेस्ट में कैसा था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर आप लोग ट्राई करिएगा घर में। और ये देखिए फिर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इफ्तार टेबल जो होती है वो रेडी हो चुकी है, सब कुछ बहुत मज़े का है माशाल्लाह इसमें। अभी मैं इस टाइम एडिटिंग कर रहा हूँ इफ्तार के बाद, लेट के आराम से, तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो केक था ये सच में यार बहुत ही यम्मी बनाया था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे जैसे इसमें बनाया था मम्मी ने, बहुत मज़े का था बहुत। और ये जूस जो था ये मुझे इतना अच्छा सच बताया तो कोकम्बर का नहीं। तो फ्रेंड्स अब तैयार सब रेडी हो गया और मगरिब का वक्त आ गया है, तो चलिए फिर अपने मास्क पढ़ते हैं और फिर तैयारी करते हैं। एंड ये रही मेरी प्लेट, और देखिए नजफ अब तैयारी कर रही है, और सब अब तैयारी कर रहे थे, नजफ को बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए कैसे खा रही है। और फिर मैंने ये मोहम्मद को दिया है, मोहम्मद भी तैयारी कर रहा था, और देखिए ले नहीं रहा था, ये कहने लगा कि हरी चटनी है वो देखिए डुबो के खा रहा है। मैंने कहा नहीं जूस है कोकम्बर का, और ये रहा मैं खा रहा था। देखिए केक जो मैं खा रहा हूँ, मैं कितनी बार बताऊँ इस वीडियो में, यानी कितनी बार कह चुका हूँ, क्योंकि सच में बहुत मज़े का था। और मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया था हम सब ने, और ये लास्ट की मामा ने वीडियो बनाई थी मेरी, तो मैं वही केक खा रहा हूँ और कस्टर्ड। वो देखिए मेरी फ्रूट चाट का बाउल रखा हुआ है, वो अभी मैंने फिनिश नहीं किया, वो एकदम लास्ट में मैं खाऊँगा, क्योंकि फ्रूट चाट मुझे सच में बहुत मज़े की लगती है। और ये अब मैं देखिएगा मेरा फेस देखिएगा, मैं ये पी रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम अभी देखिएगा मैं बाइट जब मैं पीऊँगा फर्स्ट टाइम, तो मेरा रिएक्शन देखिएगा कैसा है, मैंने इतना कंट्रोल किया कि अच्छा रिएक्शन दूंगा बुरा नहीं। और ये देखिए सच में बहुत अजीब था ये कोकम्बर का, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, शायद आपको अच्छी लगी, क्योंकि इसे प्यास नहीं लगती है और ठंडक पहुंचाता है, इस वजह से रोज़े में मैंने सोचा बनाया जाए, लेकिन मैंने आधा पिया और फिर बाकी अभी रख दूंगा मैं। ये देखिए मैंने बाकी फिर रख दिया, सच में अच्छा था, पर ठीक था पर बहुत पीने लगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड माय ब्लॉग, इफ यू हैव एंजॉयड माय ब्लॉग सो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी, तब तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, तो बाय, खुदा हाफिज़।